नमस्कार दर्शकों, भारत एट नाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश में एक नाबालिग लड़की की हालत बहुत खराब। वो बाराबंकी संप्रेक्षण गृह में बंद थी, अब उसको लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। नाबालिग लोगों को जिस जेल में रखा जाता है उसको संप्रेक्षण गृह कहा जाता है, आप इसको जेल ही समझिए। अब भारत में जेल में किसी का होना बताता है कि उसने जरूर कोई अपराध किया होगा या कोई आरोप होगा, लेकिन सुनकर आश्चर्य होगा कि खुशी दुबे का अपराध सिर्फ इतना है कि उसने कानपुर के बिकरू में आधी रात हुए गोलीकांड से दो रोज पहले ही विकास दुबे के भांजे अमर दुबे से शादी की। एक लड़की जब ब्याह कर नए घर में आती है तो नए नए सपने लेकर आती है। उसे क्या पता था कि जिसके साथ उसका ब्याह हो रहा है वो दुर्दांत अपराधी है। वो विकास दुबे जैसे गैंगस्टर को सिर्फ भांजा ही नहीं है बल्कि उसका शूटर भी है। खैर, आज का सच ये है कि दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की सजा बेचारी नाबालिग लड़की को मिल रही है। गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले में खुद बीजेपी के एक MLC चिट्ठी लिख चुके हैं। अमर दुबे की दादी ने रोते हुए कहा है कि उस बेचारी का क्या किस्सा। हिंदू समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण कमलेश तिवारी ने लखनऊ के लोहिया अस्पताल में बीमार खुशी दुबे से मुलाकात की। बिकरू गांव में गोलीकांड के दो रोज पहले ही नवजीवन की शुरुआत करने गई दुल्हन को पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत आरोपी बनाकर सलाखों के पीछे भेज दिया। हालत यह है कि कांड को एक साल होने को आया है और शादी के चंद दिनों भीतर हुई विधवा को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। अब गौर से शब्दों को सुनिए। एक नाबालिग लड़की जिस पर पहले तो भगवान ने अन्याय किया, उसका जीवन साथी एक अपराधी बना दिया, शादी के दो दिन बाद ही गांव में वो काली रात देखी गई, उसके बाद दुनिया के लिए दुर्दांत अपराधी, लेकिन उसके लिए तो दुर्भाग्यवश उसका पति ही था, उसका भी एनकाउंटर हो गया। एक पल के लिए सोचिए कितना मानसिक दबाव रहा हो, दुख दर्द महसूस भी नहीं कर सकते हम और आप। यह अन्याय उसकी किस्मत ने उसके साथ किया था, लेकिन इसके बाद सिस्टम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उस नाबालिग लड़की पर ऐसे ऐसे मुकदमे लगा दिए जिनके बारे में आज तक पुलिस को कोई साक्ष्य सबूत इकट्ठा ही नहीं कर पाई, कोई आरोप तय नहीं कर पाई। लेकिन उस लड़की को पूरा एक वर्ष होने का समय आ चुका है जेल के भीतर। आज उसकी तबीयत इस हद तक खराब है कि मुंह से खून निकल रहा है, सीने में तेज दर्द हो रहा है। इस सब का जिम्मेदार हमारा सिस्टम। इस सिस्टम के शीर्ष पर विराजमान योगी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी जी के संज्ञान में यह पूरा मामला है, फिर भी योगी जी ने उस नाबालिग लड़की को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। योगी जी एक चीज तो जानते ही होंगे, नारी निरादर पशु दुखी बंद बिछू होए, ता घर संपत कबो ना छो चाहे कुबेर सम धन होए। ये लाइनें योगी जी को भी पता होंगी, योगी जी ने भी जरूर सुनी हो। फिलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट भी है, आप उसे भी देख लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे खुशी दुबे का मामला 2022 में CM योगी आदित्यनाथ को परेशान करने वाला है। खुशी दुबे को क्या सिस्टम मार डालेगा? खुशी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? अमर दुबे से शादी करने की इतनी बड़ी सजा? खुशी दुबे को मारने की साजिश चल रही है? खुशी दुबे को बचाने की मांग उठने लगी है। आज अस्पताल में खून की उल्टियां कर रही खुशी दुबे उस दिन को कोस रही होगी जब उसकी मुलाकात अमर दुबे से हुई थी। खुशी और अमर दुबे जब एक दूसरे के करीब आए थे तब खुशी के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन बाद में अमर दुबे के मामा विकास दुबे ने उनसे बात कर शादी के लिए मनवा लिया था। इसके बाद खुशी की शादी 29 जून 2020 को अमर दुबे के साथ धूमधाम से कर दी गई। इस शादी से खुशी के माँ बाप के अलावा अमर दुबे के रिश्तेदार भी शामिल हुए थे, लेकिन शादी के चंद रोज बाद 2 जुलाई को विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी। इस पूरी वारदात में अमर दुबे विकास दुबे के साथ था और घटना को अंजाम देने के बाद सभी लोगों के साथ फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने अमर दुबे को हमीरपुर में एक एनकाउंटर में मार गिराया था। साथ ही अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को साजिश में शामिल होने का दोषी बनाकर जेल भेज दिया था। 3 दिन पहले ब्याह कर गांव आई खुशी दुबे को क्या पता था कि उसका जीवन बद से बदतर होने वाला है। गांव के लोगों को आज भी खुशी दुबे के लिए हमदर्दी है और सभी का कहना है कि दो रोज पहले आई लड़की क्या साजिश करेगी, दो रोज पहले आई लड़की क्या जुर्म करेगी।
दो रोज पहले अपराधी की बीवी बन जाने की इतनी कड़ी सजा की। एक राज्य, एक मुख्यमंत्री, एक सिस्टम, फिर भी इसके दो रूप देखिए। एक तरफ है बलात्कार का आरोपी कुलदीप सेंगर, जो कि पूर्व विधायक भी रह चुका है, इससे पहले विधायक था, पार्टी से निकाल दिया गया, जिसको कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। उसकी पत्नी को बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए बकायदा टिकट दिया गया। वहीं दूसरी तरफ है खुशी दुबे, जो कि इनकाउंटर में मारे जा चुके अमर दुबे की पत्नी है। तो खुशी दुबे को अमर दुबे के हिस्से की सजा दी जा रही है, वो सलाखों के पीछे है। कानपुर के बिकरू में 2 जुलाई 2020 की दरमियानी रात जो कुछ हुआ, उसके जिम्मेदार विकास दुबे और उसके गुर्गे थे। बउआ था, विकास था, अमर दुबे था, लेकिन खुशी दुबे नहीं थी। ये बात सब जानते हैं, स्थानीय चौकी का वो सिपाही भी जानता है, उस जिले का SP जानता है, IG साहब जानते हैं, DGP साहब जानते हैं, जज जानते हैं, मुख्यमंत्री योगी जी भी जानते हैं। लेकिन फिर भी खुशी दुबे पर वही धाराएं लगाई गई हैं जो विकास दुबे और अमर दुबे पर लगाई गई है। पूरे बवाल पर सवाल है, क्यों? आखिर क्या कसूर है खुशी दुबे का? इस सिस्टम ने एक नाबालिग का यह हाल कर डाला है कि आज उसके मुंह से खून आता है। एक विधवा के साथ इस तरह का अत्याचार करना पाप है, और राम राज्य की कल्पना वाले राज्य में अगर यह पाप हो रहा है तो राम राज्य सिर्फ कल्पना तक ही सीमित रह जाएगा। इसका असर 2022 के चुनावों में दिखेगा। एक बड़ा वर्ग इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खासा नाराज है, और खुशी दुबे को जो कुछ सहन करना पड़ रहा है वो इंसानों के शहर में जहर का काम कर रहा है। एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं कि खुशी दुबे की इस हालत का जिम्मेदार आखिर कौन है? एक अपराधी से सिर्फ शादी करने की इतनी बड़ी सजा कैसे हो सकती है, और क्यों हो सकती है, और क्यों होनी चाहिए? फिलहाल के लिए आज भारत एट 9 में इतना ही। कल एक बार फिर एक नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी और उस पर खूब बात होगी। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।